नमस्कार, मैं शिवानी। जी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज इंडिया उत्तराखंड। वर्षों से उखड़े पड़े मुंडारी रोड का पीडब्ल्यूडी विभाग अध्यक्ष ने किया निरीक्षण। नगर पंचायत अध्यक्ष कुलपहाड़ की पहल ला रही रंग। दरअसल बता दें कि लंबे समय से मुंडारी रोड उखड़ा पड़ा था, जिसमें कई बार सड़क हादसे भी हुए हैं, जिसके चलते मुंडारी, टिकरिया, अकोना, लमोरा सहित दर्जनों गांव के लोगों में जिम्मेदारों और सरकार के प्रति भारी रोष पनप रहा था, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कुलपहाड़, कोतवाली और तहसील आने में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता था तथा छात्र छात्राओं को भी स्कूल कॉलेज आने और जाने में बड़ी दिक्कत झेलनी पड़ रही थी। कई बार जिम्मेदारों का कहना था कि केंद्रित करते हुए सड़क निर्माण को ज्ञापन भी दिए गए, लेकिन कोई असर देखने को नहीं मिला। तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि नगर पंचायत अध्यक्ष कुलपहाड़ वैभव अर्जरिया लोगों के लिए नायक बनकर आए और बीते महीनों से सड़क की पहल की, जिसका असर अब देखने को मिल रहा है। और देर रात पीडब्ल्यूडी विभाग अध्यक्ष अरविंद जैन ने मुंडारी रोड का स्थलीय निरीक्षण किया और कहा कि निश्चित रूप से ये सड़क ध्वस्त हो गई है। नगर पंचायत अध्यक्ष भी हमसे लखनऊ में मिले और सड़क निर्माण की मांग की थी, लेकिन अब मैं महोबा जिले के निरीक्षण के लिए आया हूं, जिससे मैंने इस सड़क का भी स्थलीय निरीक्षण किया। इस सड़क का सुंदरीकरण और चौड़ीकरण आवश्यक है। विधायक और नगर पंचायत अध्यक्ष सहित सभी जनप्रतिनिधि सड़क निर्माण के प्रयास में लगे रहे हैं और कहा कि सीएम और मंत्री गढ़ बुंदेलखंड को गड्ढा मुक्त कराने में पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। जल्द ही सड़क का निर्माण हो सकता है। तो वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष वैभव अर्जरिया ने बताया कि मैं कुछ समय पहले पीडब्ल्यूडी विभाग अध्यक्ष से मिला और इस सड़क का निर्माण कराने की मांग की। यह खुशी नगरवासियों की खुशी है और क्षेत्रीय लोगों को भी इस सड़क का लाभ फिर से मिलेगा और जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कहा कि सड़क बनने के बाद ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली छात्र छात्राओं के चेहरे पर भी मुस्कान दिखाई देगी। बाबा जी, आपकी मेहनत रंग ला रही है, कितनी खुशी कितनी है आपको? ये हमारे समस्त ग्रामवासियों की खुशी की बात है अगर बहुत जल्द ये सड़क बने, क्योंकि कुछ दिनों पहले हमने पीडब्ल्यूडी आपके विभाग अध्यक्ष लखनऊ से बात करी, इनको अपना पत्र भी लिखा और इनसे कहा कि हमारे यहाँ स्टेशन रोड से लेके मोहारी, अकोना और ये रोड सीधे जाके एमपी तक जुड़ती है, इसके लिए मांग डाली कि इसको जल्द से जल्द बने। यहाँ से कई सैकड़ों गाँव, जैसे कि अभी आप पत्रकार बंधु ने बताया भी है उनको कि सैकड़ों गाँव यहाँ से लगे हुए हैं, तो उनकी दया दशा भी हमारे यहाँ से चलता है, हमारा बाजार भी यहाँ से प्रभावित होता है, गरीब जनता भी यहाँ से सब्जी भाजी जो भी छोटे मोटे व्यापार चल रहे हैं वो जुड़े हैं। और मोहारी यहाँ का बहुत मुख्य गांव है जो काफी बड़े आबादी वाला है और यहाँ एक ही स्टेशन है जो कुलपहाड़, जहाँ से यूपी संपर्क क्रांति, यहाँ से काफी लेबर वर्ग हमारी दिल्ली के ऊपर जाती है काम के लिए, तो बड़ा दिक्कत होती है लोगों के टायर और छोटे छोटे जो धंधे वाले हैं, अपने स्कूल के बच्चे हैं, आपके सवारी हैं, जिनको अवगत बताना आपको चाहता हूं कि बहुत परेशानी हुआ करती थी, जिससे मुझे भी नहीं देखा है, क्योंकि हम भी इसी गांव के हैं, हमें भी यहीं से जाना होता था। इस वजह से बड़े प्रयासरत हैं, अगर माननीय हमारे ये विभाग अध्यक्ष जी जो आए हुए हैं इसके हिसाब से जितने जल्दी हमारे विकास करें इसके लिए हम तो घोषणा पत्र में आपने खेल के मैदान की भी कहा था, अब तक कहां तक आपकी प्रोसेस पहुंची? अभी हमारा खेल के मैदान के लिए भी बराबर प्रयासरत हूं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे कार्यकाल में अभी तक 3 से 4 बार मैं माननीय जिला अधिकारी जी का दौरा भी करा चुका हूं और उन्होंने सर 59 से लेके अभी तक के पूरे ब्यौरे निकाल लिए हैं कि क्या पट्टे हैं, क्या है खेल के मैदान, क्यों नहीं अभी तक हुआ है। चकबंदी वालों से भी बराबर बात चल रही है और हो सकता है कि मैं बहुत जल्द ग्रामवासियों को खेल के मैदान के लिए भी लोकवाद प्रयास है, हम चाहते हैं समस्त ग्रामवासी हमारे इस प्रयास में शामिल हों और सब लोग मिलकर इस खेल ग्राउंड को भी कुलपहाड़ में लाएं। सहराज, आपने मुरहारी स्टेशन रोड कुलपहाड़ का निरीक्षण किया है, कैसा रोड है, कब तक ये बन पाएगा? हाँ, ये जो है रोड निश्चित रूप से जो है बहुत ही क्षतिग्रस्त अवस्था में है और मुझे जानकारी हुई थी जो है, जो यहाँ के आपके नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, ये हमसे वहाँ पर लखनऊ में मिले थे, तो इन्होंने इस रोड का जिक्र किया था और मुझे जो है इसका एक पत्र भी दिया था कि साहब ये रोड बनना बहुत जरूरी है। तो मैंने जब आज से महोबा का अपने निरीक्षण का कार्यक्रम बनाया तो उसमें विशेष रूप से इस रोड को शामिल किया था कि मैं अवश्य आकर के देखूंगा, और आज मैंने स्वयं इसका निरीक्षण किया है और सड़क निश्चित रूप से काफी क्षतिग्रस्त अवस्था में है। सर, क्या है? और जमीनी हकीकत बस यही है कि इस पर वाहन बहुत ज्यादा हैं और सड़क अभी केवल सिंगल लेन है, जैसा आप देख रहे हैं 3 मीटर चौड़ी सड़क है, तो इसका एक तो चौड़ीकरण आवश्यक है और सुदृढ़ीकरण आवश्यक है, क्योंकि इस पर हैवी व्हीकल्स का आवागमन है, तो इसके लिए जल्दी से प्रयास करेंगे कि ये सड़क जो है चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण में सुकृत हो। एक दर्जन से अधिक गाँव इस सड़क से होते हुए लगते हैं,
और जब भी जनप्रतिनिधियों से बात की जाती हो तो वो कहते हैं कि टेंडर हो गया है, सर क्या है सच्चाई? नहीं, टेंडर तो नहीं हुआ है और जो है, लेकिन जनप्रतिनिधि आपके सभी जो है माननीय जनप्रतिनिधि जितने हैं वो सब प्रयास कर रहे हैं, और विशेष रूप से जो है चाहे आपके माननीय विधायक हों, माननीय जो है नगर पंचायत अध्यक्ष हों, तो इनके प्रयास से जो है जरूर मैं समझता हूँ कि सरकार इस पर ध्यान देगी, और विभाग में व्यक्तिगत रूप से इसमें इस पर ध्यान दे करके और कोशिश करूँगा कि सड़क आपकी 4 किलोमीटर का जो रीच है, जो खराब स्थिति में है, उसका कम से कम 5.5 मीटर में चौड़ीकरण और उसका सुदृढ़ीकरण हो जाए। लगभग कितनी की लागत से बनी? ये लगभग 5 करोड़ का इसका एस्टीमेट बना है। एस्टीमेट हमारे विभाग ने ऑलरेडी इसका बना करके प्रस्तुत किया हुआ है, और लेकिन अब देखना है कि वित्तीय संसाधनों का की उपलब्धता के आधार पर कैसे इसको लिया जा सकता है, लेकिन मैं मेरा प्रयास अवश्य रहेगा कि सड़क को शामिल किया जाए। सर चेयरमैन साहब भी बड़ी शिद्दत से लगे रही है सड़क के लिए। जी बिल्कुल। नहीं बिल्कुल, वो जो है निश्चित रूप से बहुत प्रयासरत हैं, और विशेष रूप से जो है लखनऊ मेरे कार्यालय में आए थे और उन्होंने इस सड़क का जिक्र किया था, तो मैंने उनको वायदा किया था कि मैं जल्दी ही महोबा के निरीक्षण में आऊँगा, और आते जब मैं आऊंगा तब मैं आपको जरूर सूचित करूंगा और इस सड़क का निरीक्षण भी करूंगा। सर चरकारी बाईपास बागो लूट है सर, वो भी सर ऐसे ही स्थिति उसकी भी, निश्चित रूप से जो भी बाईपास है, बाईपास की भी हमारी जो है सरकार की एक योजना है और उसमें बाईपास इसलिए जा रहे हैं, और जहां पर भी इस तरीके से बुंदेलखंड में सरकार का विशेष ध्यान है, मैं आप सभी को सभी अवगत होंगे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय मंत्री महोदय बुंदेलखंड के लिए विशेष चिंतित रहते हैं, तो बुंदेलखंड की जो भी परियोजनाएं हैं और कहीं अधर में अगर लटकी हुई है या स्वीकृत नहीं हुई है, उनको स्वीकृति का प्रयास जो है मेरी ओर से किया जाएगा। क्या माने कब तक गांव वालों को राहत मिलेगी? थोड़ा सा देखिए वक्त तो लगता है, लेकिन यह है कि अगर स्वीकृति हो जाएगी तो फिर बहुत जल्दी सड़क का निर्माण भी हो जाएगा, और इस कार्यक्रम में कोशिश की जाएगी कि जल्दी से जल्दी ये जो है स्वीकृत हो।